नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं CNC BMC इंटरव्यू क्वेश्चन आंसरिंग सीरीज़, जिसमें आज का 24वां सवाल है जो कि एक फ्रेंड के द्वारा रेफ़र किया गया है कि G10 क्या होता है। तो G10 एक डाटा सेटिंग का कमांड है जिसको आप प्रोग्रामेबल डाटा इनपुट भी बोलते हो। G10 के साथ आप मशीन में डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इनपुट कर सकते हो, वेदर आप MDA मोड में करो या मेमोरी मोड में प्रोग्राम के थ्रू। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आपका वर्क ऑफसेट भी हो सकते हैं, ज्योमेट्री ऑफसेट भी हो सकते हैं, वियर ऑफसेट भी हो सकते हैं, और इसके अलावा आप टूल टिप ओरिएंटेशन और टूल लाइफ को भी इसके थ्रू इनपुट कर सकते हो। और एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो G10 के थ्रू आप मशीन के जो डिफरेंट सिस्टम के पैरामीटर होते हैं उनमें भी चेंजेस ला सकते हो। ये G10 डिफरेंट फॉर्मेट के साथ यूज़ होता है, डिपेंड करता है आप किस टाइप का डाटा इनपुट कर रहे हो, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल हम दो मोड्स की बात करते हैं जिनके साथ G10 यूज़ किया जाता है। पहला आपका एब्सोल्यूट मोड। एब्सोल्यूट मोड में जो भी आप डाटा इनपुट करते हो वो आपके प्रीवियस डाटा को रिप्लेस करता है, और वहीं इंक्रीमेंटल मोड के साथ जब भी आप G10 यूज़ करोगे और डाटा इनपुट करोगे तो वो आपका केवल एडजस्टमेंट करता है आपके प्रीवियस डाटा के साथ। कहने का मतलब प्रीवियस डाटा के साथ आपकी वैल्यू जो है प्लस माइनस होती है। होप आप लोगों को टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, और G10 के डिफरेंट फॉर्मेट के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। और एट लास्ट थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।